हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्रेन स्पॉट। ब्रेन स्पॉट एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वेबसाइट है जो कि हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को हैंडरिटन मटेरियल, उसके साथ साथ हर एक टॉपिक के वीडियो और उसकी रेफरेंस बुक प्रोवाइड करता है। आई होप आपने वेबसाइट विजिट की हो, अगर अभी तक नहीं किए तो प्लीज चेक इट आउट। लेट्स डू टूडेज टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। हमने देखा कि दो टाइप के सिग्नल होते हैं, एनालॉग और डिजिटल, जिसमें एनालॉग सिग्नल का भी मल्टीप्लेक्सिंग हो सकता है, डिजिटल सिग्नल का भी मल्टीप्लेक्सिंग हो सकता है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, लेट्स सी। जो कि एनालॉग सिग्नल होता है उसको रिप्रेजेंट हम एक कंटिन्यूअस एंड टाइम वेरिंग फॉर्म में कर सकते हैं, और जैसे डिजिटल सिग्नल में अन नॉन कंटिन्यूअस एंड बाइनरी फॉर्म में। जब डिजिटल वे के सिग्नल ट्रांसफर होते हैं तो उसकी वैल्यू जीरो और वन ही होती है, मीन्स कि ओनली जीरो एंड वन को ही वो रिप्रेजेंट करता है। आंसर वेव की वैल्यू आइधर जीरो या आधे वन ही आती है। जब एनालॉग सिग्नल में कोई भी वैल्यू आ सकती है, मीन्स ऐसा नहीं कोई फिक्स या जीरो या वन, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। एनालॉग सिग्नल हमें ऑलवेज कंटिन्यूअस वेव कंटिन्यूअस वैल्यूज प्रोवाइड करता है, और डिजिटल सिग्नल डिस्क्रीट वैल्यू, जीरो और वन दो ही वैल्यू। एनालॉग सिग्नल हमेशा साइन वेव से रिप्रेजेंट होता है और डिजिटल सिग्नल स्क्वायर वेव से। एनालॉग सिग्नल का जब ट्रांसमिशन करते हैं तब वो नॉइस से इजीली इफेक्टिव हो जाता है। नॉइस मीन्स अनवांटेड साउंड, जो कि हम दो डिवाइस के बीच ट्रांसमिशन करते हैं तब जो भी अनवांटेड साउंड आता है उसे नॉइस कहते हैं। इसीलिए जब एनालॉग सिग्नल का ट्रांसमिशन करते हैं तो वो इजीली नॉइस से इफेक्ट हो जाता है। डिजिटल सिग्नल में ऐसा नहीं है, डिजिटल सिग्नल में भी इफेक्ट होता है पर एनालॉग सिग्नल से कम होता है। एनालॉग सिग्नल का जब हम ट्रांसमिशन करते हैं तब हमें मोर पावर लगता है और डिजिटल सिग्नल में उससे कम लगता है। एनालॉग सिग्नल में जब भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो वेव्स के फॉर्म में ट्रांसफर होता है, डिजिटल सिग्नल में वो एक पल्स के तौर पे ट्रांसफर होता है। एनालॉग सिग्नल ऑलवेज कोई भी नंबर हमें दे सकता है, जैसे मैंने बोला कोई फिक्स ही नहीं है, बट डिजिटल सिग्नल में फिक्स ही है, आइदर जीरो आइदर वन। थैंक यू।